फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही हेल्दी सी और टेस्टी सी रेसिपी, जो कि उनके लिए भी बहुत ही अच्छी रेसिपी है जो कि अपना वेट लॉस करना चाहते हैं। तो वेट लॉस जर्नी में भी आपकी ये बहुत हेल्प करेगी। तो इधर चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो इसके लिए मैंने लिया है एक चुकंदर, और चुकंदर अक्सर बच्चे खाना पसंद नहीं करते सैलेड वगैरह में, तो हम उनको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम चुकंदर खिला सकते हैं। तो आज इसीलिए मैं चुकंदर की इडली बनाने वाली हूँ। तो इसके लिए एक चुकंदर को मैंने काट लिया है, और इसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 हरी मिर्च डाल दी है ओके। और अब इसको मैं हल्का सा ग्राइंड करूँगी पहले, और उसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने इसको बारीक सा पीस लिया है। तो फ्रेंड्स, मेरी मिक्सी में बहुत ज़्यादा अच्छे से महीन पीस नहीं रहा था, तो इसलिए मैं इसको छान रही हूँ। अगर आपकी मिक्सी में अच्छा सा ये पिक मतलब काफ़ी अच्छे से पीस जाता है, तो आप ऐसे ही डाल सकते हैं, इसको छानने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए, अब इसमें मैंने 1 कटोरी सूजी डाल देंगे। तो ये देखिए, और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। बहुत ही कलरफुल और बहुत ही देखने में सुंदर इडली बन के रेडी होते हैं। बच्चे देखते ही मतलब इसको खाना के लिए मांगेंगे। ये देखिए, और अब इसमें मैंने 1/2 कटोरी दही डाल दिया है। तो इसका हम एक बैटर, इडली का बैटर हम तैयार करेंगे। तो चुकंदर अक्सर बच्चे खाना पसंद नहीं करते हैं, तो आप अलग अलग तरीके से उनको खिला सकते हैं। चुकंदर की अलग अलग रेसिपी बना के चुकंदर का चीला भी बना सकते हैं, इडली बना सकते हैं। तो ये देखिए, इसको मैंने बैटर रेडी कर लिया है, और अब इसमें मैं डालूँगी नमक 1/2 चम्मच, और इसको हम ढक कर के रख देंगे 10 मिनट के लिए, सूजी फूल जाए अच्छे से। तो ये देखिए, 10 मिनट बाद हमारा सूजी अच्छे से फूल गई है। तो बैटर थोड़ा सा थिक लग रहा है, तो अब इसमें मैं थोड़ा सा चुकंदर का, और मेरे पास जूस रखा था तो मैंने और डाल दिया है। अच्छी कलरफुल इडली बनके हमारी रेडी होंगी। अब इसमें डाल देंगे इनो, तो मैंने हाफ ही डाला है इनो का पाउच, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा। और अब इस थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसमें। तो ये हमारा बैटर बनके तैयार हो गया है, बढ़िया सा कलरफुल बैटर बनके, देखने में कितना सुंदर लग रहा है ना हमारा बैटर ही। और दूसरी तरफ मैंने थोड़ा सा 1/4 सूजी, 1 कटोरी सूजी लेके प्लेन बैटर बना के रेडी कर रखा है, ये देखिए। तो हम है ना इसमें कुछ डिजाइन और पैटर्न बनाएंगे इडली में, जिससे इडली हमारी देखने में और भी सुंदर लगेगी। इस तरह से आप प्लेन भी बना सकते हैं, पर मैं थोड़ा सा इनमें कलरफुल बनाऊंगी और भी 2 कलर से, तो बच्चों को और भी इंटरेस्टिंग लगेंगी खाने में और देखने में भी। तो ये देखिए, अब इसके ऊपर मैं वाइट बैटर जो बैटर मैंने बनाया था उसे इस तरह से डिजाइन बना देंगे। आप कोई भी अपने मनपसंद डिजाइन बना सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। तो मैंने इसी तरह से ऊपर से थोड़ा थोड़ा कलर वाइट वाला बैटर रख दिया है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि नीचे हम रखेंगे जो हमारा चुकंदर वाला बैटर है वो रखेंगे, और इसको भी हम 2 कलर में बनाएंगे, और इसके ऊपर हम पूरा वाइट वाला बैटर डाल देंगे। तो एक तरफ वाइट और एक तरफ जो रेड चुकंदर की का वाला कलर आएगा, तो वो भी देखने में बहुत ही प्यारी लगती है इडली। आप बनने के बाद में देखना फ्रेंड्स, वीडियो को फुल वॉच करना, कितनी प्यारी इडली बनके रेडी होंगी हमारी। देखने में इतनी सुंदर लगती हैं कि बच्चे खाए बिना रह नहीं पाएंगे इनको देखकर। तो ये देखिए, सारा ऊपर से वाइट बैटर मैंने डाल दिया है, और हमने कुकर अपना स्टीमर जो कि इडली का कुकर है उसको हमने गर्म करने रख दिया था, और इसमें ये हमने रख दिए अपने इडली। और ये देखिए, 10 मिनट बाद हमारी इडली बनके रेडी हो गई है। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है हमारी इडलियों का, बहुत ही प्यारा, और देखिए देखने में ही बहुत ही टेम्पनिंग लग रही है, और खाने में तो टेस्टी और हेल्दी दोनों ही हैं, बट देखने में भी बहुत ही प्यारी लग रही हैं। तो आप इस तरह से बनाएं, बच्चों को टिफ़िन में देंगे और तो बच्चे खुशी खुशी खाएँगे, या ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं। देखिए, कलरफुल इडली हमारी बन के रंग बिरंगी रेडी हो गई हैं, बहुत ही अच्छी और डिलीशियस। तो वीडियो अच्छी, ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स लाइक कर दीजिएगा, हम लोग बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। प्लीज़ थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया कीजिएगा। और अब मैं काट करके दिखाती हूँ आपको, बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी इडली बनके रेडी हुई थी। वही देखिए, 2 कलर में कितनी खूबसूरत लग रही है हमारी इडली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।